मेरे का फेवरेट गाना आ गया, सिटी बजाए, देखने में लगे हैं, देख भी नहीं रहे। मेरे पापा की तरफ देखिए। हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका स्वागत है। आज है संडे, सुबह के 9 बज गए हैं और अब हमारा नाश्ता हो रहा है। नाश्ते में है आलू के पराठे, मलाई चटनी और चाय। कबीर का भी नाश्ता आ गया है। कबीर से हाय। चलिए भाई, तो नाश्ता शुरू करते हैं और आपको ज्वाइन करते हैं नाश्ते के बाद। क्या बनाया है? कृष्णा। कृष्णा ये वाला तो पुलिस कह रहा है। ये क्या बनाया है बेटा? ट्रांसपोर्ट्स। हाँ, ये लॉन्ग कार है और ये फाइटर जेट और ये प्लेन और ये रॉकेट की कार। संडे को छोटे छोटे इतने सारे काम हो जाते हैं कि 2 बजे घर लौट करके आ पाया, नहाया, लंच प्रसाद किया और 3 बज गए हैं। आज मुंबई घूमने जाने का प्लान है, मुंबई दर्शन करेंगे। मेरे हमारे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मुंबई घूमने, तो गिरगांव चौपाटी जाने का प्लान है, इस्कॉन गिरगांव जाने का प्लान है और बाबूलनाथ मंदिर जाने का प्लान है। देखते हैं जैसी सिचुएशन रहेगी, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में चेक कर रहा था, 2-3 वेबसाइट्स में चेक किया तो तीनों ने बताया है कि 7 बजे से बारिश शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं कि ये बारिश हमारे घूमने के प्लान में बाधा बनती है या मौसम को खुशनुमा बना देती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो बाबूलनाथ मंदिर है। तो यहाँ आ गए हैं बाबूलनाथ डोसाज में और यहाँ का स्पेशल डोसा खा रहे हैं। पेट पूजा पहले कर लेते हैं, फिर दर्शन में करने चलेंगे तो मन लगेगा पूजा में। तीखा कम रहेगा ना, लाइट, ये भी हल्का। डोसा बहुत यम्मी था तो डोसा खा करके भूख और ज़्यादा लग गई है, तो फिर मैंने ये पनीर रोल बनवाया है। बाबूलनाथ डोसा ये शॉप है, यहाँ पर जो भी आइटम मिलता है बहुत टेस्टी मिलता है। जब भी बाबूलनाथ मंदिर आता हूँ यहाँ खाता हूँ। हम आ गए हैं बाबूलनाथ मंदिर के सामने और चलते हैं अब ऊपर। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी है। कोविड के पहले अंदर जाने देते थे शिवलिंग को दर्शन करने के लिए, लेकिन कोविड के बाद से अंदर जाना मना है। ये दर्शन हो रहे हैं बहुत प्यारे। बहुत ही पुराना मंदिर है ये, मुंबई शहर के पुराने शिव मंदिरों में से एक है। पहले ये बताते हैं कि पहले ये जगह पारसी समुदाय के लोगों के पास में थी, बाद में कोर्ट में मैटर गया, फिर मंदिर के फेवर में फैसला आया और गुजराती लोगों ने फिर इस नया जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ये नया मंदिर, फिर गुजराती समुदाय के लोग कुछ व्यापारी थे उन्होंने बनवाया। और ये पुराना बॉम्बे है आसपास, तो यहाँ सब कहते हैं कि ऐसा भी कहते हैं कि ये सब कि यहाँ पर आसपास सब पैसे वाले लोग रहते हैं, तो कहते हैं ये पैसे वालों के शंकर भगवान है। मंदिर में मिरे की पेट पूजा हो रही है, इसका बॉटल में मिल्क और टिफिन में इसका खाना लेकर के आ गए थे। क्या बॉटल आपने पिया बेटा? और ये मंदिर से ही ये गिरगांव चौपाटी दिखती है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करके, तो ये बिल्कुल गिरगांव चौपाटी के पास में है। अभी हम जाएंगे तो ये नीचे तक लिफ्ट जाती है और सीढ़ियों से अगर जाना है तो यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं। तो आप चलते हैं हैंगिंग गार्डन। आपने ऐसी लिफ्ट देखी थी इसके पहले? देखी थी? का नाम मालाबार है ना? आ गए हैं हैंगिंग गार्डन। हाइट में होने की वजह से इसका नाम हैंगिंग गार्डन पड़ा। कबीर से जब बताया कि हैंगिंग गार्डन जा रहे हैं तो उसको लगा कि वाव वहाँ पर झूले होंगे। अब वो बेचारा भक्ता घूम रहा है, उसे कहीं झूले नहीं दिख रहे तो बहुत दुखी है। आपको एंजॉय नहीं हो रहा क्या यहाँ पर? लेकिन मेरे तो हंस रहे हैं, देखिए मेरे तो हंस रहे हैं। क्या खो गया आपका? गार्डन खो गया आपका? बहुत ही सुंदर और व्यू तो बहुत अच्छा है हाइट में होने की वजह से, और पूरा करीने से मेंटेन है। बीएमसी
जो मुंबई महानगर पालिका है वो इसको मेंटेन करती है। मेरे जी यहाँ भी मस्त हो गए हैं, उन्हें ना मम्मी से मतलब है ना पापा से, आने जाने वाले लोगों को देख रहे हैं, उनसे बाय कर रहे हैं। कबीर बहुत दुखी हैं, इसलिए अब हैंगिंग गार्डन से रोड क्रॉस करके चलते हैं कमला नेहरू पार्क। वहाँ पर स्लाइडिंग वगैरह हैं, एक बहुत बड़ा जूता बना हुआ है, तो वहाँ पर वो स्लाइड करेगा, उसको अच्छा लगेगा और वहाँ से सी फेस भी दिखेगा तो भी अच्छा लगेगा। चलते हैं। इस जूते को हम लोग मूवीज में देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था। शानदार अरब सागर, और ये एरिया है गिरगांव चौपाटी। और ये नरीमन पॉइंट, बारिश की जो भविष्यवाणी की गई थी वो सही होती हुई लग रही है, क्योंकि जो बादल हैं वो काफ़ी काले काले हैं। कबीर कबीर हैप्पी, डर लग रहा है, आ जा आ जा आ जा आ जा, हंस रहा है हिल रहा है तो। बहुत ही शानदार नज़ारा, विहंगम दृश्य मुंबई का। और ये जो एरिया हम देख रहे हैं जहाँ ये लाइटिंग है, ये एरिया न सिर्फ मुंबई का बल्कि पूरे देश का सबसे महंगा रिहायशी इलाका। कौन लेकर, ओ क्या किया आपने? ये हम आ गए हैं गिरगांव चौपाटी में और पानी काफ़ी दूर चला गया है, और मेरा पहली बार समुद्र देवता के दर्शन कर रहे हैं पास से, इतने पास से क्या करीब पहली बार रहे हैं। हम गिरगांव चौपाटी के स्टार्टिंग पॉइंट में हैं, इसलिए यहाँ बहुत कम भीड़ है, और उस तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए वहाँ नहीं गए। और ये समुद्र की लहरें, अब यहाँ से चलेंगे गिरगांव इस्कॉन, जो यहाँ से हार्डली 500 मीटर पर है, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वहाँ पर शानदार भजन कीर्तन करेंगे, प्रसादम वहीं पर ही पाएंगे, डिनर प्रसादम। बहुत ही शानदार ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और उस हवा की वजह से शायद आपको मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी सुनने में। ये कबीर और मिरे का डिनर प्रसादम हो रहा है, श्वेता जी पैक करके लाई थी। इस्कॉन के चार मंदिर हैं मुंबई में, हम आए हैं गिरगांव इस्कॉन, जो कि गिरगांव चौपाटी के पास में है। हम आए तो 8 बज गए थे, 8 बजे पट बंद हो जाते हैं, अब 8 बज करके 50 मिनट में खुलेंगे, तो यहाँ पर प्रसादम का टाइम था, तो डिनर प्रसादम फिर मंदिर में ही किया अभी यहाँ पर बैठ करके ही। और अब 8:30 बज गया है, तो चलते हैं मुख्य हॉल में, 15-20 मिनट बाद पट खुल जाएंगे तो दर्शन करेंगे। अभी शयन के दर्शन होंगे 8:50 से 9 बजे तक, सिर्फ 10 मिनट दर्शन होते हैं, बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। तो अभी कीर्तन चल रहा होगा तो कीर्तन में शामिल होते हैं चल करके। और ये हमारे स्कूल हाल, ये वहीं जाना चाहते हैं जहाँ भजन हो रहा है, धीरे धीरे वहीं पहुँच गए हैं, यहाँ बैठे थे, यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए। अति उत्साह आते थे, श्वेता जी वीडियो शेयर कराती हुई मेरे की दादी और बुआ को। बेहद हल्के रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं शयन के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का दिन यहाँ पूरा होता है। इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेली ब्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ, जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि शाम को 7 बजे बारिश हो सकती है, तो अभी 9 बजे हैं और हल्की हल्की बारिश जब हम ऊपर थे तो हो चुकी है। तो इसी के साथ ही आज का दिन यहाँ पूरा करते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।